आज के समय में आम जनता की ये शिकायत है कि ट्रैफिक पुलिस गलत चालान काटती है या चालान में ज्यादा जुर्माने का डर दिखा करके पैसे वसूल करती है या कुछ विनती करने पर या गलत चालान का विरोध करने पर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए चालान में कुछ ऐसे मामले जोड़ देती है जो ड्राइवर ने किए ही नहीं होते हैं। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम ट्रैफिक पुलिस के कामकाज के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस गलत चालान कट करती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैफिक पुलिस का हमारी डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रैफिक पुलिस सड़क पर है, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट का ये हाल है कि आए दिन किसी ना किसी एक्सीडेंट के बारे में हमें सुनने को मिलता ही रहता है। अब अगर आप सोचिए कि ट्रैफिक पुलिस रोड पर रही ही ना तो फिर एक्सीडेंट का क्या हाल होगा। वैसे हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो नियम कानून को तोड़ने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं और ऐसे लोग सिर्फ कानूनी डंडे की ही भाषा समझते हैं। अगर उनका चालान नहीं किया गया, उनको सजा नहीं दी गई तो ऐसे लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, इसलिए ट्रैफिक पुलिस का होना बहुत ही जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस के कामकाज को हम तीन लेवल पर देख सकते हैं। सबसे पहला है बधाई का पात्र यानी ग्रीटिंग्स कैरेक्टर्स। जब ट्रैफिक पुलिस ईमानदारी से ट्रैफिक संभाल रही हो, चाहे वो गर्मी की चिलचिलाती धूप हो या ठिठुरती सर्दी हो, 12 घंटे की ड्यूटी में उनका जो हाल होता है वो तो वही जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस के ऐसे हार्ड वर्क को सलाम करने का मन करता है और वो श्योरली अपने इस काम के लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरा लेवल है दया के पात्र यानी मर्सी कैरेक्टर्स। जब ट्रैफिक पुलिस किसी दबाव के तहत काम कर रही हो, जैसे कि ऊपर से उनको चालान काटने का एक टारगेट दे दिया गया होता है कि इस महीने उन्हें इतने चालान काटने ही काटने हैं, तो बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे तैसे चालान काट के अपना कोटा पूरा कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो सिर्फ और सिर्फ दया के पात्र हैं। तीसरा लेवल है दंड के पात्र यानी पेनल्टीज कैरेक्टर्स। जब ट्रैफिक पुलिस किसी गाड़ी को रोक करके उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करे और उसमें गलती ना होने के बावजूद भी जबरदस्ती कोई गलती निकाले या फिर गाड़ी से जुड़ी दूसरी कोई भी गलती निकाल करके उस गलती के लिए चालान होने पर ज्यादा जुर्माने का डर दिखा करके रिश्वत मांगे और विरोध करने पर चालान काटकर अपनी मर्जी से ऐसे ऑफेंसेस उस चालान में जोड़ दे जो आपने किए ही ना हो और इस तरह वो अपने कलम की ताकत का एहसास आपको कराए, तो इस सिचुएशन में वो सिर्फ और सिर्फ दंड के पात्र हैं, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काट देती है तो आपको क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और एम के गुप्ता के केस का निपटारा करते हुए 5 नवंबर 1993 को अपने फैसले में कहा था कि सभी सरकारी कर्मचारी जनता के नौकर होते हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों की एक्टिविटी उनकी सेवा में डिस्क्राइब्ड ड्यूटी के अनुसार ही होनी चाहिए, ना कि जनता के साथ अन्याय और उनकी परेशानी का सबब। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी से जनता के साथ अन्याय यानी इनजस्टिस और उनके लिए परेशानी खड़ी करता है तो वो उस कर्मचारी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग यानी मिसयूज माना जाएगा, जिसके लिए उसके साथ किसी भी कानून के तहत रियायत नहीं बरती जा सकती है। इस जुर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। हाई ऑफिशियल्स को चाहिए कि वैसे करप्ट ऑफिशियल्स की एक्टिविटी का अलग से रिकॉर्ड रखे। ये सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज एम के गुप्ता के केस में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था। हमारे देश में कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। कानून तोड़ने वाले या अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग यानी मिसयूज करने वाले अधिकारियों के लिए कहीं भी माफी नहीं है। इसलिए अगर आप गलत नहीं हैं और ट्रैफिक पुलिस ने फिर भी आपका चालान काट दिया है सिर्फ इसलिए कि आपने उनको रिश्वत नहीं दी है, तो आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काट देती है तो आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ऐसे ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एक लिखित शिकायत यानी रिटन कंप्लेंट फौरन अगले ही दिन रिलेटेड जिले के ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट को देनी चाहिए या फिर उस जिले के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हरियाणा और चंडीगढ़ में गलत चालान होने पर चालान फॉर्म पर ड्राइवर अपना सिग्नेचर करने से पहले कमेंट दर्ज कर सकता है। ये फैसिलिटीज अदर स्टेट में अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए आपको ट्रैफिक हेल्पलाइन पर बात करके पता कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ट्रैफिक पुलिस से कभी भी ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, वरना वो आपके ऊपर एक और ऑफेंस जोड़ सकता है बदतमीजी का। इसलिए जितना वो चालान कट कर रहा है आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फिर उसके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, चालान कटवा कर उसका भुगतान करके उसकी रसीद हासिल करनी चाहिए, फिर अपनी लिखित शिकायत के साथ चालान और भुगतान की रसीद को अटैच करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, याद रखिए कि चालान के समय शालीनता यानी डिसेंसी से पेश आकर और चालान का भुगतान करके आपने अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश किया है।
चालान भुगतने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उस गलत ऑफिसर की शिकायत करने का अपना अधिकार खो दिया है, बल्कि आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट की कॉपी मांगे और कोई कार्रवाई न होने पर उसके रीजंस जानने के लिए आपको RTI डालनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, याद रखिए कि RTI यानी सूचना का अधिकार आपके द्वारा दी गई शिकायत को फाइलों में दफन नहीं होने देगा और आपको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट जरूर देगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान कट कर देती है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।